आपके कुछ एक एक्सपीरियंस होंगे जिसमें आपने मतलब लोगों की हेल्प की हो थ्रू फेस रीडिंग? बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक जैसे एक एक फैमिली थी, उनकी उनकी बच्ची खो गई थी एंड ऑल ऑफ अ सडन वो भाग गई थी। उन सब को ये नहीं पता था, वो गई थी ग्रुप में 4 लोगों के साथ और ये बोल करके कि हम जा रहे हैं ट्रिप पे और हम वहाँ से जो है वापस आ जाएंगे 2-3 दिन बाद। बट ऑल ऑफ अ सडन वो 4 बच्चे और वो बच्ची यानी टोटल 5 लोग वहाँ से वापस नहीं आए। वो लड़की ऑल ऑफ अ सडन भाग गई, उनमें से 3 वापस आ गए, 2 रह गए, वो एक लड़का एक लड़की। अब दूसरी चीज़ ये हुई कि मुझे जब ये केस बताया गया तब लड़का का फीचर जो है मुझे नहीं दिया गया, लड़की का फीचर दिया गया, तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो लड़का है सच में इसने ही भगाया या वो खुद भी इंडिविजुअली गायब हुआ है, उसके साथ गायब हुआ है या साथ में गायब, मतलब क्या सीन है। तो बेसिकली जब हमने फेस रीडिंग की, क्योंकि हमारे पास उस लड़के की कोई भी डिटेल नहीं थी, मतलब अगर हम कहें तो हमारे पास उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं था, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं था, टाइम ऑफ बर्थ नहीं था, सिर्फ नाम और फोटो। तो जब उसकी फ़ोटो देखी तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर पता चला, जिससे पता चला कि ये हाईली साइकोपैथ है। ये किसी भी लड़की या किसी भी इंसान को अपने वश में करने से इसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होती है। उसने उस लड़की को प्यार में इसलिए फंसा के रखा क्योंकि उससे उसका ईगो बूस्ट हो रहा था, उसे उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा था। तो तब हमें पता चला कि ये इसके साथ ही भागा होगा फॉर श्योर, और फिर बाकी के एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से ये पता चला कि किस लोकेशन पे होगा। हालांकि बच्ची रहने वाली दिल्ली की थी एंड मिली जाके गुजरात में। आपने एक चीज़ और डिस्कस की, क्रिमिनल फेस रीडिंग, तो ये बाहर कंट्रीज में होता है, इंडिया में क्यों नहीं होता ये? इंडिया में इसलिए नहीं होता क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रीजन वाइज ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से सभी की मानव शरीर की संरचनाएं बहुत अलग हैं। हमारे इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की ज्योग्राफिकल कंडीशन एक ही स्थान पे अवेलेबल है। आपको पहाड़ चाहिए, हिमालय में मिल जाएंगे। आपको पानी भरे इलाके चाहिए, आपको बॉम्बे साइड या साउथ साइड पूरे मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी चाहिए, आपको पहाड़ भी चाहिए, ठंडक भी चाहिए, आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिल जाएगा। आपको रेगिस्तान चाहिए, आपको राजस्थान में मिल जाएगा। आप बहुत सारे फिजिकल फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी हैं जिनकी वजह से इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, और इस सभी डाइवर्सिटी को पढ़ाना एक इंसान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है। और ये डाइवर्सिटी वाले लोग अलग अलग रीजन पे माइग्रेट करते रहते हैं, इस माइग्रेशन से इनके फीचर में मिक्सिंग बहुत होती है, और इस मिक्सिंग से कोई एक पर्टिकुलर फीचर इनके अंदर नहीं रह जाता। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आप पहाड़ी लोगों से मिलेंगे तो ये पहाड़ी लोग नेचर वाइज दिल के बड़े साफ माने जाते हैं, और अगर आप यही जो है साउथ इंडियन वाले लोगों से मिलेंगे तो ये लोग नेचर वाइज बहुत ब्लंट माने जाते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड माने जाते हैं। अब पहाड़ी साउथ में आने वाला साउथ में रहना चालू कर दे और साउथ वाला पहाड़ के रीजन में रहना चालू कर दे, या किसी काम के वश वो वहाँ पे 2-3 साल रुक जाए, उसकी भाषा में उसके नेचर में परिवर्तन आ जाएगा, और इसी तरीके से वो जितनी नई जगहों जाएगा उतनी नई चीज़ों को अडॉप्ट करता चला जाएगा। इससे इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है इंसान की। तो इस वजह से यहाँ पे मिक्सिंग अप इतना ज़्यादा है कि हम किसी को भी वो पर्टिकुलरली प्योर ज्ञान नहीं पढ़ा पाते। कैसे काम आती है बिजनेसेस में फेस रीडिंग? पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट डीलिंग, पैसा खींचना है, पहले ही पता कर लेना कि कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, पहले ही पता कर लेना कि ये इंसान मेरे से जाने ज़्यादा लंबे समय के लिए जुड़ने वाला है कि नहीं, कौन कितना फेंक रहा है, कौन कितना हवा में गोली मार रहा है, ये सब देखना पड़ता है।